सोलन के कुमारहट्टी के समीप कालका से शिमला जाती ट्रेन में अचानक आग लग गई। ये आग सबसे पहले टॉय ट्रेन के इंजन में लगी। पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते ट्रेन की स्पीड कम होने की वजह से इसे जल्द ही नियंत्रित कर जंगलों के बीच रोक लिया गया। इसकी जानकारी दमकल विभाग को भी दी गई, लेकिन जैसे टॉय ट्रेन के पहिए थमे वहां दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए आसपास रह रहे क्षेत्रवासियों की मदद से कर्मचारियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया। एक बड़ा हादसा होने से भी टल गया। कुछ समय बाद इंजन बुलाया गया और ट्रेन को वहां से निकालकर रेल मार्ग को बहाल किया गया। दमकल विभाग के प्रभारी आर भागटा ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली वे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही स्थानीय ग्रामवासियों के सहयोग से आग पर नियंत्रण पा लिया गया और दूसरा इंजन बुलाकर ट्रेन को वहां से निकाला गया। जैसे ही हमें सूचना मिली मैं दोनों दो टर्न आउट लेके घटनास्थल को गया। जब वहां पहुंचे तो वहां जाके देखा हमारे पहुंचने से पहले ही आग बुझ चुकी थी। लोकल लोगों द्वारा बुझाई गई है, साथ ही एक घर था उनके पास पानी की पाइप थी, वो पाइप को खींच के नीचे ले गए और इंजन को बुझा दिया। और वहाँ पे जो है दूसरा इंजन कुमारहट्टी से वो लेके आए, ट्रेन चले गई थी।